हेलो फ्रेंड्स, अभी जो कि मेरे पास है एक ये जो कि फ़ोन है सैमसंग का है, लेकिन इसमें फ़ोन का कोई बात नहीं। मैं आपको आज बताऊंगा क्या है ना, हम जो कि व्हाट्सएप में अगर हम कोई भी चैटिंग को हम जो कि कैसे जो कि डिलीट करेंगे। जो कि व्हाट्सएप क्या करता है ना, कुछ टाइमिंग देता है, आधा घंटा के अंदर या 30 मिनट के अंदर आप जो भी मैसेज करोगे उसको आप जो कि डिलीट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर लिख दिया, तो हाई लिखने के बाद मैं इसको चाहूँगा तो मेरे तरफ से पूरा डिलीट हो जाने के लिए, तो यहाँ पे जाने के बाद नीचे हमको जो कि डिलीट फॉर एवरीवन, दो साइड में ये जो कि डिलीट हो गया। लेकिन ये जो है ये देखिए 11 दिसंबर में देखिए ये हुआ है। इसको अगर मैं डिलीट करना चाहूँगा ये क्या होगा, डिलीट पर क्लिक करूँगा ओनली डिलीट फॉर मी ऑप्शन आएगा, जो कि दूसरी की तरफ से डिलीट नहीं होगा। लेकिन उसको हम जो कि आज डिलीट करके दिखाएंगे, कैसे डिलीट करेंगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए मैंने जो कि ये जो कि 11 दिसंबर है 2:44 पे मैंने जो कि उसको भेजा था, उसको मैं डिलीट करके अभी दिखाऊंगा। कैसे डिलीट करके दिखाऊंगा, जो कि व्हाट्सएप को पता है अभी डेट और टाइम, तो व्हाट्सएप को तो थोड़ी ना पता है ये अभी क्या डेट और टाइम आ रहा है। वो कैसे जो कि उसको पता चल रहा है, जो कि हमारा मोबाइल नेटवर्क से पता चल रहा है। अभी देखिए आपको आज का डेट क्या है, 13 दिसंबर है, 9:44 AM है अभी सुबह है। तो हम उसको जो कि डिलीट करेंगे कैसे करेंगे अभी मैं आपको पहले दिखाई देता हूँ कहाँ। पहले आपको क्या करना पड़ा, मोबाइल में आप जो कि आपका मोबाइल में फ्लाइट मोड आप कर दीजिए। पहले मैंने जो अभी देखे मेरा जो फ्लाइट मोड मैंने पहले एक्टिव कर दिया मोबाइल में। अभी देखिए पूरा जो कि मोबाइल देखिए मेरा पूरा फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो गया। तो फ्लाइट मोड हो जाने के बाद अभी क्या टाइम है, क्या है, व्हाट्सएप कैसे पता चलेगा, वो नेटवर्क थ्रू पता चलता है। अभी जो कि वो कुछ उसको जो कि पता नहीं है। तो अभी हम क्या करें, फ्लाइट मोड तो हमारा ऑन हो गया, तो उसके बाद हम जाएंगे डेट एंड टाइम जो कि सेटिंग में जाएंगे। तो सेटिंग में जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाने के बाद हमको जाना पड़ेगा कहाँ पे, डेट एंड टाइम में। डेट एंड टाइम में हम जाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, डेट एंड टाइम को हम क्या करेंगे ना, चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, हमको जो 11 तारीख को हम जो भेजे थे, 11 तारीख कितना 2:44, तो यहाँ पे मैं जो कि ऑटोमेटिक टाइम को मैं जो कि ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे जो कि मैं डेट सेट कर देता हूँ 11 तारीख, यहाँ पे जो कि 2:44 था, मैं अभी कर दूँगा 2:50 PM कर दूँगा, डाउन कर दूँगा। बस हमारा जो कि अभी देखिए डेट एंड टाइम जो कि चेंज हो गया है, 2:50 हो गया है, और यहाँ पे जो कि 11 दिसंबर हो गया है। अभी मैं क्या करूँगा, फिर से मैं जो कि व्हाट्सएप में मैं फिर से जाऊँगा। तो व्हाट्सएप में मैं पहले अभी जो कि जाऊँगा, जाने के बाद मैं जो वाला ये वाला है यहाँ पे देखिए, मैं ये वाला मैसेज को जो कि डिलीट करूँगा उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। और डिलीट पर जो क्लिक करूँगा यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, डिलीट फॉर एवरीवन, जो कि 2 दिन पहले का मैसेज भी मैं अभी जो कि दो साइड से डिलीट कर सकता हूँ। ये जो कि है सेटिंग, ये सेटिंग के थ्रू आप 2 दिन 3 दिन 1 महीना के पहले की मैसेज को भी आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कि था आपके लिए सेटिंग, आपको हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।